भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग कर गलत तरीके से दिखाने को लेकर बीबीसी ने माफी मांग ली है। बता दें बीबीसी ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद कई फैसलों पर मुहर लगाई है, जिसकी अमेरिका में लंबे वक्त से डिमांड चल रही थी। चीन में अलीबाबा के फाउंडर जैक मा बुधवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देखे गए। बता दें जैक मा अक्टूबर के बाद से ही सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे थे। दिल्ली के कालका जी में एक ज्वेलरी शोरूम में 6 करोड़ की चोरी हुई है। चोरों ने पीपीई किट पहनकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। किसान संगठन और सरकार के बीच बुधवार को 10वें दौर की बातचीत हुई। बैठक में तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने के साथ एक कमेटी का गठन भी किया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी अटैकिंग मोड पे है। विपक्षी पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं 22 जनवरी को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। दिल्ली में जारी शीतलहर के कहर के बीच जम्मू कश्मीर में बर्फबारी को लेकर फिर अलर्ट जारी हुआ है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से बाहर हुए। सिडनी में तीसरे टेस्ट के दौरान चोट लगने पर उन्हें बाहर रखा गया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने महीनों पहले दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुशांत सिंह का आज जन्मदिन है। उनके इस जन्मदिन पर फैंस ने याद करते हुए इमोशनल पोस्ट शेयर की, साथ ही एक बार फिर इंसाफ की आवाज उठाई। भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को इतिहास रचा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सेंसेक्स में पहली बार 50,000 का आंकड़ा पार किया। गुरुवार को शेयर बाजार खुलने पर सेंसेक्स 50,096.57 पर और निफ्टी 14,730 पर रहा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।